अरे जो भाई साहब है उनका नाम है पाका पाका, मतलब आस्ते से मेरे को इशारा कर बोलते हैं यार उसका नंबर ले लो, उसका नंबर ले लो। इलिया एंड पाका पाका। आज है 18 अक्टूबर और मेरा ट्रेन है मॉस्को के लिए। तो सीन ऐसा है कि पैसे नहीं है मेरे पास, सिर्फ 36 रूबल्स है जो मैंने सोविनियर के टाइप में मैंने सेव रखा था। मेरा ट्रेन पहुंचेगा मॉस्को में 23 तारीख को सुबह 5 बजे, 24 को मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, 23 ख़त्म होगा ना, नेक्स्ट डेट का 1:55 AM को मेरा फ्लाइट है इंडिया के लिए। मुझे इसी के दौरान RT-PCR करवाना है। मॉस्को में जितने भी क्लिनिक्स जो रिपोर्ट्स देते हैं RT-PCR के, वो एक्चुअली एक्सप्रेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाइक 3 आवर्स 6 आवर्स, लेकिन वो सब ना यार 5,000 रूबल का जाता है। तो अब मेरे पास कैश है नहीं, क्योंकि उनमें से काफ़ी सारे कैश एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मुझे उसका भी चिंता था कि मेरे पास तो कैश है नहीं थोड़ा भी। तो मैं अंदर बैठ के मैं पता कर रहा था, तो मुझे पता चला कि SU एयरपोर्ट में एक्चुअली देर आर 2 टाइप्स ऑफ RT-PCR, स्टैंडर्ड जो 1,800 रूबल का है और वो आपको लगभग 10 घंटा से लेकर 24 घंटा के बीच में मिलेगा, बट ऑब्वियसली रिस्क होगा तो इसलिए मैं वो नहीं लेने वाला। दूसरा है एक्सप्रेस 2750 रूबल, तो वही ले लेंगे, 120 मिनट में मुझे मिल जाएगा। ये मैटर मेरा सॉल्व हो गया। अभी देखो भाई, ट्रेन जर्नी मेरा 5 दिन 5 घंटे का है। मेरे पास चॉकलेट बिस्किट्स है, ठीक हुआ है, सिर्फ शुगर आइटम है। जब तक मेरे पास कार्ड था ना, मैं हॉस्टल में आराम से रुक रहा था, महंगा हो या सस्ता खाना हो मैं खा रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। मेन प्रॉब्लम है अभी, जितनी बिस्तिया हॉस्टल से जब मैं निकला था ना, 3 बॉटल मैं लेके निकला था, अभी सिर्फ 1 बचा है, 1 का आधा, मतलब आधा ही बचा है सिर्फ। इतने दिन तक मैं बिना पैसे का सर्वाइव करते आया हूँ, अभी भी सर्वाइव कर लेंगे। खाना का हो गया, पानी का ये सीन है। अब दूसरा सीन है, देखो मैं कजांस का आया, जो स्टेशन है जहाँ पे मेरा ये ट्रेन पहुंचेगा, एक्चुअली शायद यही ट्रेन है लेकिन ये 6 बजे चलेगी सुबह के। मैं कजांस का आया स्टेशन तक पहुंच जाऊंगा, आफ्टर डैट मुझे SVO एयरपोर्ट तक पहुंचना है। देखो यांडेक्स टैक्सी से मैं पहुंच सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसे ऐसे सीन हुए ना पिछले कुछ दिनों से, ऐसे ऐसे सीन हुए ना, मेरा ना पेमेंट कार्ड से मेरा भरोसा उठ गया। गूगल पे क्रेडिट कार्ड हाँ ऑप्शंस होता है, मतलब ऐसा ना हो ना कि मैं यार SVO एयरपोर्ट में पहुंच जाऊं और फिर मेरा कार्ड पेमेंट करना ही डिनाई कर दे। अब मुझे अब ऐसा डर होने लगा है, अब ऑब्वियसली मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे वही करना पड़ेगा। और दूसरा बात है, कैश तो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ नहीं, बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यांडेक्स टैक्सी जो मैं लूँगा उसमें ऑनलाइन पेमेंट हो जाए बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ना भाई वो भी हो जाए, आई वोंट बी सरप्राइज मेरे साथ वो भी हो जाए। तो आज से लगभग 15 दिन पहले स्टेशन में था, पूरा बर्फ था, मोटा मोटा ये घास भी पूरा बर्फ का चढ़ा हुआ था। किसी दिन आएंगे एक्चुअली ट्रू साइबेरियन विंटर्स में ना। वो चीज तो बताओ, это город индийский Индия, а Индия, да। 18 तारीख हो चुका है और टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं। हम आए थे स्टेशन में 17 तारीख को सुबह 11 बजे, मतलब जागे हुए मेरा लगभग 19 से 20 घंटा हो चुका है, अभी सोएंगे आराम से। मुझे और लगभग ना 4 दिन 20 घंटा मुझे काटने हैं इस ट्रेन में सर्वाइविंग, अभी देखते हैं। अभी एक्चुअली हम लोग टिंडा क्रॉस कर चुके हैं और बैकाल में अमूर मेन लाइन में फिर से एंटर कर चुके हैं। मेरे बगल में बैठे हैं इलिया, हेलो इलिया। हाँ भाई, ट्रांसलेट करके बात कर रहे हैं। जब पिछले बार जब मैं मॉस्को से आ रहा था ना, 1-2 स्टेशन ही बीता होगा कि पूरा फेंसिंग टीम लड़कियों का आ गया था। अभी देखते हैं, आई होप मे बी भगवान ऐसे कुछ करे वापस। मेरे साथ जो कुछ हुआ ना कार्ड ख़राब होने के बाद, मैंने लिस्ट पूरा दिखाया इलिया को, इलिया खरोश हो, लिस्ट खरोश हो, यस एकदम खरोश हो। क्या क्या सीन हुआ ना मेरा कार्ड ख़राब होने के बाद, क्या बोले, नेक्स्ट लेवल था। ये ज़िंदगी काट रहे अपना, ठीक हुआ के भरोसे टाइम पास हो रहा, 5 दिन और काटना। और इलिया ने मुझे ये दिया, स्पेसिफिक इलिया लैप्शा भी दिया था फिश वाला, बट वेजिटेरियन है, मतलब 10 अक्टूबर से ज़िंदगी काटते हैं, काट रहे अभी भी। इंडियन करेंसी, मेरे पास एक लास्ट बचा था वो भी मैंने निकाल दिया। यहाँ पे
पे अभी स्मोकिंग ब्रेक चल रहा है, नेट कभी आता ही नहीं है यहाँ पे, बहुत गंदा हालत है नेट का। तो एक्चुअली जो दो भाई साहब थे ऊपर में, हेलो ठीक है, तो वो लोग भी इंटरेस्टेड हो गए, गुड, सब हंस रहे हैं, सब अच्छा जा रहा है। ये भाई साहब मुझे ना थोड़ा हंस के मुझे बुलाने का एकदम पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली जो भी सीन होता है बाद में फिर बताता हूँ। हिस्ट्री यकतीनबर्ग निकोलाई स्टालिन कोलाइमा गुलाग पुतिन ऑफिसर सीक्रेट पुलिस खोरशो कोल्ड वॉर अमेरिका रशिया यूरी गागरिन रशिया यूरी गागरिन इंडिया हिस्ट्री बिग रशिया चुचुत रशिया हिस्ट्री मॉस्कोवा मंगोल एंड रशिया रशिया बिग 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 साइबेरिया बिग रशिया सेल अलास्का अमेरिका द अलास्का रशिया इस्टोरी древний немножко где-то услышал а после чечня Россия чечня Москва я Москва еду в Москву я я откуда я с Новосибирска Новосибирск меня зовут Аюш да меня Андрей Настя. Yeah, Novosibirsk friend Nastya one, then another two. Fencing? What? Game, sport, fencing. Sport, yeah, sport. No. Moscow, Nirungiri Trin, a girl, Nastya. Moscow, Nirungiri Nastya, no, Nirungiri, Moscow, Nastya. Da. Two Nastya, two. Yeah, two. Интернет? Да. Да. Нет, хорошо. Сибирия. Потом. Да. Сколько подписчиков? Угу. Сколько? Сколько? Подписано на тебя. Смотрит, сколько тебя человек. You tell this. तो अभी एक्चुअली नास्तिया ने मुझसे कुछ कहा, ठीक है, एक्चुअली कुछ कहा, कुछ कॉल का करे कुछ करके, मुझे कुछ समझ नहीं आया, हम इशारे दिए, लाइक मेरा दिमाग ऊपर से पार हो गया। अभी इलिया बहुत लंबा लगा थे ट्रांसलेट करने में, 5 मिनट से ट्रांसलेट कर रहे हैं, गुड, इलिया सुपर फास्ट। इनका नाम इलिया है, इनका नाम नास्तिया है, नेम Andri, ठीक है, नास्तिया Andri, इलिया एंड पाका। तो एक्चुअली ये चार हमारे कंपार्टमेंट में भी, और भाई हंसी मजाक चल रहा है। एक्चुअली पाका पाका मतलब रशियन में बाय बाय होता है, वो एक्चुअली कुछ भी नहीं बोल रहे है, तो मैं उन्हें जब भी देख रहा हूँ ना, बस वही मैं पाका पाका कर दे रहा हूँ। जो रशिया और जापान का वार हुआ था ना, तो रशिया हार गया था उसमें। इलिया भाई साहब अभी जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिशियन है, तो एक छोटा सा विलेज में उनको काम था। यार इंटरनेट का ना इतना गंदा हाल है ना, मतलब इट्स लाइक 12 घंटे में एक बार मिलता है, और मीन टाइम इलिया पाका जा रहे हैं, दासविदानिया बोल देंगे उन्हें। तो यार अभी ना एक्चुअली स्टेशन जो हमारा गाड़ी है वो युक्तली नाम का एक छोटा स्टेशन में रुका है। इलिया जा चुके हैं, और ये जो भाई साहब हैं इनका नाम है पाका पाका, जो रशियन में होता है बाय बाय। तो ये एक्चुअली ना यहाँ पे एक लड़की है, तो बोलती है ना, मतलब आस्ते से मेरे को इशारा कर बोलते हैं, यार उसका नंबर ले लो, उसका नंबर ले लो, पाका पाका नौती दा खरे। अभी लोग स्मोकिंग करने चल जाते हैं बाहर में, देखते हैं कोई सीन क्या है, टाइम पास हो जाएगा थोड़ा। Yeah, I go walk outside. Yeah. Let's see. छोटा सा एक्चुअली विलेज है। As expected, जैसे ब्रेक होता है लोग का शुरू हो जाता है स्मोकिंग ब्रेक। विंटर होता है ना, और क्या करेंगे लोग वैसे। Of
कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है, करना है। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर